तो हमारा मटर मसाला, चिली मसाला भुन चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना मटर। तो मटर ऐड करने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, क्योंकि आज हम बना रहे हैं स्पेशल मटर मसाला। आप चाहें तो इसमें पनीर भी ऐड कर सकते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल खुशी अर्स ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, हम भी बढ़िया हैं। तो फाइनली अभी हम ठीक ठाक हो चुके हैं, पूरी तरह से नहीं पर हाँ 90% ठीक हो चुके हैं। और गुड्डू अभी सोई है, उठी थी पर अभी फिर सो गई है वो। तो बाबू तो चला गया है अभी फंक्शन में, क्योंकि हमारे यहाँ एक शादी थी तो उसके दादा और बाबू चले गए वो अटेंड करने के लिए। और शाम को हम लोग सबको जाना है तो सब लोग जाएंगे। खाना तो अभी बनाना, मेरा और बंदे का खाना बनेगा तो अभी बाकी है, क्योंकि अभी कपड़ा पहले डाल ले, कपड़ा अभी धुलाई हो रहा है, क्योंकि स्वेटर भी है बाबू को, फिर शाम को ठंडी लगेगी, फिर बाइक पे हो जाएगा तो ठंडी लगेगी, इसलिए सोचे पहले स्वेटर वॉश करके पहले धूप में दे देंगे, उसके बाद फिर हम कुछ खाने के लिए बनाएंगे। तो देखेंगे क्या बनेगा खाने में, पता नहीं क्या बनेगा आज। तो फाइनली हम किचन में पहुँच चुके हैं और ये देखिए तो अभी बन रहा है मटर, हरा धनिया और प्याज डाल के जो स्पेशल हम बनाते हैं, जो हमको चावल के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। तो हम अभी मटर हरा धनिया के साथ बनाएंगे और चावल, क्योंकि नाश्ता सबका रोटी हो चुका है तो हम अपने लिए चावल बनाएंगे, क्योंकि बंदे तो रोटी खाते हैं। तो चावल मेरा इधर चावल चढ़ा है और मसाला भी हमारा फ्राई हो चुका है। फ्राई होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे मटर, जो हमको बहुत ही अच्छा लगता है, जो कि मेरा फेवरेट बोल रही है, मेरा फेवरेट है। मेरे को चावल का साथ ही मटर मसाला बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये रहा मेरा मटर मसाला, उधर फ्राई हो रहा है, और ये रहा हरा धनिया और हरा प्याज। अब हम इसको करेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में कट। तो मसाला हमारा फ्राई हो चुका है, अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं मटर, और मटर ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखिए मेरे मसाला में ऑयल ऊपर आ गया है, इसका मतलब मसाला अच्छी तरह से पक चुका है। और मटर ऐड करके हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो ये हमारा बन रहा है मटर मसाला, और इसमें अगर आप चाहे तो पनीर भी थोड़ी सी रोस्ट करके डाल सकते हैं, पर हम सिर्फ ये मटर मसाला बना रहे हैं, पनीर नहीं इसमें ऐड करेंगे। तो ये हमारा धनिया और हरा प्याज चॉप हो चुका है। तो मसाला और मटर दोनों अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें डाल रहे हैं 1 ग्लास के लगभग पानी, और पानी डालने के बाद भी हम इसके अच्छे से मिक्स करेंगे, और मिक्स करके हम इसे थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। सब्जी को हम ढक के पकने के लिए छोड़ दिए हैं, और तब तक ये देखिए गुड्डू इधर कैक्टस को खेल के साथ खेल रही है, और बाबू इधर मोगली देख रहा है। रोज़ मोगली, पता नहीं ये मोगली देख के बोर होता है या नहीं, पूरे दिन मोगली देखता रहता है। और कपड़ा भी लगभग वॉश हो चुका है, बस उसे हम फैलाना है। ये देखिए दोनों को, दोनों मस्ती करते हैं। तो खाना हमारा रेडी हो चुका है, इसमें हम हरा धनिया हरा प्याज ऐड कर चुके हैं, तो हमारा खाना रेडी हो गया। तो अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए बाय।